एट शू आपेलू छे बे बिंदुवत विद्युत भारो क्यू ए क्यू बी ने बिंदुवत विद्युत भारो क्यू ए अने क्यू बी ने एक बीजा थी शून्य अवकाश में 20 सेंटीमीटर दूर मुकेला छे। आर बराबर केटलो आप्यो छे 20 सेंटीमीटर। चलो क्यू ए नी किंमत आपणने शू आपी छे 3 माइक्रो कूलम के मां फेरवी दियो कूलम में। क्यू बी नी किंमत आपी छे -3 माइक्रो कूलम के मां फेरवी दियो कूलम में। अने आर अंतर आप्यु छे 20 सेंटीमीटर के मां फेरवी दियो मीटर में। चलो बे विद्युत भारों ने जोड़ती रेखाना मध्य बिंदु आ बेनु मध्य बिंदु धारो के अहीं ओ पासे छे तो आ अंतर केटलू थाय 10 सेंटीमीटर। आ अंतर केटलू थाशे 10 सेंटीमीटर। बिंदु आगळ विद्युत क्षेत्र आपणे शोधवानुं छे। चलो नंबर ए बे बिंदुवत विद्युत भार। चलो क्यू ए ना कारणे ओ पर उद्भवतुं क्षेत्र तो सूत्र शू छे ई एने नाम आपीए ए तो के क्यू ए बाय आर डेस नो स्क्वेर। आर डेस एटले केटलू थाशे 10 सेंटीमीटर। आपणे तो आ अंतर जोई छे ने तो केटला लखू 0.1 मीटर। चलो के नी किंमत 9×10⁹ आर डेस एटले 0.1 नो स्क्वेर। आनु સાદુ રૂપ આપો એટલે શું મળશે 2.7×10⁶ ન્યૂટન પર કુલમ। ચલો આ વિદ્યુત ભાર પ્લસ છે, અહીંયા આપણે કીધું હતું નાનકડો ચૂહા જેવો વિદ્યુત ભાર ક્યુ મૂકો તો આ પ્લસ આ પ્લસ તો આના કારણે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં હશે? આ દિશામાં ઈ એ। તો શું લખવું, એની દિશા કઈ લખી દઉં? ઓ થી બી તરફ। ચલો ક્યુ બી ના કારણે, હવે ક્યુ બી ના કારણે ઓ પર ઉદ્ભવતું ક્ષેત્ર, ઓ પર ઉદ્ભવતું क्षेत्र ई बी बराबर जो तो शू थे के क्यू बी आर डेस एनो स्क्वेर 9×10⁹ क्यू एनी किंमत अँ मुकता भूली गया अपने अँ लखी नाखो 3×10⁻⁶ 3×10⁻⁶। कूलम्ब बळ अने विद्युत क्षेत्र सूत्र में कोई दिवस क्यू ने निशानी साथ मूकवानो नहीं, आपणे कीधुं छे याद छे ने, कोई दिवस निशानी साथ मूकवानो नहीं, एम नम ज राखी देवानो छेद में 0.1 नो स्क्वेर। तो पाछो केटलो मळशे 2.7×10⁶ न्यूटन पर कूलम। जोज आ प्लस विद्युत भार, आ माइनस विद्युत भार, बंने वच्चे शुं थाशे? आकर्षण। तो आ दिशा में बड़ उद्भवशे ई बी। ई बी कई दिशा में उद्भवशे? ओ थी बी तरफ। चलो आपणे तो ओ पासे परिणामी विद्युत क्षेत्र जोई छे ने, ओ पासे परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो मारे शुं करवो पड़े, जे बे विद्युत क्षेत्र मळ्या छे एनो सदिश सरवाळो। चलो सदिश सरवाळो भाई एक ज दिशा में छे तो डायरेक्ट सीम्पल सरवाळो थाशे। चलो लखावता जाओ, बेनी किंमत 2.7×10⁶ प्लस 2.7×10⁶ केटलो आवशे 5.4×10⁶ न्यूटन पर कूलम। एनी दिशा कई हशे? ओ थी बी तरफ। बे आज दिशा में छे तो एनो परिणामी विद्युत क्षेत्र आज दिशा में मळशे। तो आ थई गयो आपणा माटे पार्ट ए। चलो नंबर बी जुओ जी शुं आप्युं छे। जो 1.5×10⁻⁹ कूलम अहीं जे विद्युत भार, नानो विद्युत भार, स्मोल विद्युत भार क्यू मूकेलो छे, एक ऋण परीक्षण विद्युत भार आ बिंदुए मूकवामां आवे तो तेना पर लागतुं बळ केटलुं हशे? आना उपर उद्भवतुं बळ केवो विद्युत भार छे? ऋण विद्युत भार कीधो छे, × 10⁻⁹ कूलम। चलो अहीं विद्युत भार मूक्यो छे, आ बिंदुए विद्युत क्षेत्र शोधी लीधुं, आटलू मळे छे आपणने। तो आ बिंदु पर उद्भवतुं बळ शोधवुं होय तो एफ बराबर शुं लखी शकाय? माइनस क्यू ई, ऋण विद्युत भार छे एटला माटे माइनस। चलो 1.5×10⁻⁹ × 5.4×10⁶ चलो शुं आवशे एनो आंसर? 8.1×10⁻³ न्यूटन। अहींया ऋण निशानी शुं सूचवे? ऋण निशानी विद्युत क्षेत्रनी विरुद्ध दिशामां छे, विरुद्ध दिशामां छे।
તે સૂચવે છે. તો એફની કિંમત કઈ થશે? એફ 8.1 ક્રોસ 10 રેસ ટુ માઇનસ 3 ન્યૂટન. ઓ થી એ તરફ હોય, વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા આ બાજુ છે, તો એના દ્વારા ઉદ્ભવતા બળની કિંમત કઈ બાજુ હશે? એફ આ દિશામાં લાગશે. કેમ? ઋણ વિદ્યુત ભાર છે, એટલા માટે. ઋણ વિદ્યુત ભાર હંમેશા શું કરે? દૂર જવાની ટ્રાય કરે ને, એટલા માટે. ચાલ, તો આવડી ગયો આપણા માટે. એક થઈ ગયો એક્ઝામ્પલ નંબર 1.8.